जैसे कि आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को 8 फरवरी से भारत में लॉन्च करने वाला है, जहां पे क्लियर कट ये मेंशन है कि आपका सारा डेटा यहां पे फेसबुक उठा के ले जाएगा, आपको किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी। इस चीज को देखते हैं दोस्तों, भारत में बहुत विरोध हो, भारत नहीं पूरी दुनिया में दोस्तों विरोध हुआ। हमने भी दोस्तों यहां पे विरोध किया था कि व्हाट्सएप को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत सरकार के पास दोस्तों यहां पे केट जो है दोस्तों पूरे भारत की जो यूनियंस है वो भी गई थी, उन्होंने क्लियर कर दिया था अगर व्हाट्सएप ऐसा करता तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, उसको हटा दो, बैन कर दो भारत से फेसबुक और व्हाट्सएप को। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने दोस्तों कड़ी लताड़ यहां पे लगाई व्हाट्सएप को, क्लियर कर दिया कि आप यहां पे भारत में ये नहीं कर सकते, प्राइवेसी पॉलिसी जो है आपकी गेम ये भारत में नहीं चलेगी, इसको आप नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको बैन कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों भारत सरकार का निकल गया है। क्या दोस्तों सरकार ने करा, किस तरह से डंडा चलाया व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप क्या करेगा, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक, मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फैंस। फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में तो ऑलरेडी बना चुका हूं वीडियो, जाके देख लेना, जहां पे एक चीज क्लियर है कि व्हाट्सएप आपका सारा का सारा डेटा यहां पे फेसबुक को दे देगा, मैसेज को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें फेसबुक लेके जाएगा। फेसबुक दोस्तों फिर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे आपको एड्स दिखाएगा और आपके हिसाब से दोस्तों पैसा कमाएगा, एडवर्टाइजमेंट्स चलने वाला, कोई भी प्राइवेसी नहीं होगी। ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया यहां पे बोल रही है। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप इस चीज को मान नहीं रहता, लेकिन भारत की जनता जागरूक होकर दोस्तों कैट जो है दोस्तों पूरे ट्रेडर की यूनियन, उन्होंने दोस्तों यहां पे रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर को क्लियर कर दिया, उनको लेटर भेजा था, अगर यहां पे व्हाट्सएप ऐसा करता तो इन्हें व्हाट्सएप को और फेसबुक को दोनों को भारत में बैन कर देना चाहिए। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों व्हाट्सएप की हालत खराब हो गई, फट गई व्हाट्सएप की, और इसके बाद व्हाट्सएप ने दोस्तों इस चीज को डिले कर दिया। यस दोस्तों मई तक डिले कर दिया, लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों भारत सरकार का रुख बहुत कड़क है। भारत सरकार ने यहां पे बड़ी चेतावनी दोस्तों पे दी, स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया वांट्स व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी चेंज विड्रो, जो प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने वाला था ना उसको विड्रो कर लो, फिर से खींच लो उसको कैंसिल कर दो, अगर ऐसा होता तो आपकी हालत खराब हो सकती है। दोस्तों देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT जो हैज आस्क्ड द इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप टू इमीडिएटली विड्रो द प्रपोज्ड चेंज टू इट्स प्राइवेसी नॉर्म्स। दोस्तों यस इमीडिएटली विड्रो कर लो, जो आप बोल रहे हो ना कि हम प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने वाले, ऐसा लाने वाले, इसको इमीडिएटली विड्रो कर लो। बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट निकल गए दोस्तों यहां पे। इन द लेटर टू सेंड मंडे व्हाट्सएप ग्लोबल हेड, दोस्तों ग्लोबल हेड जो है व्हाट्सएप के विल कैटकार्ट, उनको दोस्तों MEIT ने क्लियर कर दिया कि आपको जो प्रपोजल आप लेके आए जिसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं पॉलिसी को, उसको बंद कर लो, अदरवाइज क्या होगा आप जानते हैं। जिस तरह से हमने यहां पे PUBG को बैन किया, TikTok को बैन किया, आपको बैन करना पड़ा, ऐसा हमें मजबूर मत करना। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहां पे हो रही है। WhatsApp के 2400 मिलियन यानी 40 करोड़ सब्सक्राइबर, तो वो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता बैन करने वाला। तो और वैसे भी WhatsApp ने पेमेंट चालू कर दिया गेटवे, दोस्तों आप सभी जानते हैं अभी UPI चालू कर दिया, तो पैसा अच्छा खासा कमा रहा था, वो नहीं चाहेगा कि यहां पे सरकार उसको बैन करे। तो ये दोस्तों वार्निंग यहां पे दे दी। उसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं दूसरे एक स्टेटमेंट में यहां पे रविशंकर प्रसाद जो IT मिनिस्टर, उन्होंने बोला है ऑल एप्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप मस्ट मेंटेन सेंसिटिविटी एंड द पर्सनल कम्युनिकेशन। प्रसाद दोस्तों उन्होंने क्लियर कर दिया कि भारत की जो है दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए, और पर्सनल कम्युनिकेशन जो हम यहाँ पे मैसेज वगैरह करते हैं इनमें किसी भी तरह का कोई लेग, किसी भी तरह की प्राइवेसी ब्रीच यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दोस्तों बताया जाए IT कंपनी रविशंकर प्रसाद सेड दैट द डिजिटल प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग व्हाट्सएप एंड फेसबुक मेंटेन द सेंसिटिविटी एंड द पर्सनल कम्युनिकेशन एंड ऑपरेट विदाउट वायलेटिंग द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। भारत के नागरिकों का कोई भी अधिकार यहाँ पे उल्लंघन नहीं होना चाहिए, प्राइवेसी रहनी चाहिए, क्लियर यहां पे IT मिनिस्टर कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से IT मिनिस्टर ने, MEIT ने, दोस्तों भारत सरकार ने बड़े कड़े लफ्जों में दोस्तों हमें व्हाट्सएप को चेता दिया कि आपको ये पॉलिसी जो आप चेंज कर रहे हैं ना इसको विड्रॉ करना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों उसको डर तो लग रहा है और उसने इसको मई तक लेके गया, लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था ये भारत में लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप नहीं चाहता कि 400 मिलियन सब्सक्राइबर यहां पे खड्डे में चले जाए, भारत सरकार उसको बैन कर दे। जिस तरह से TikTok को 200 करोड़ सब्सक्राइबर थे बंद कर दिया गया, PUBG को बैन कर दिया गया, भारत सरकार कुछ भी कर सकती है अपने लोगों के हित के लिए, प्राइवेसी के लिए, तो ऐसा हो सकता है दोस्तों अगर WhatsApp अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों ऐसा लग नहीं रहा कि WhatsApp इसको इंट्रोड्यूस करेगा। WhatsApp दोस्तों यहां पे प्राइवेसी पॉलिसी को डालेगा कचरे में और आपका डेटा सेफ रहने वाला है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी अपडेट, भारत सरकार का डंडा यहां पे चला और WhatsApp दोस्तों लाइन पे आ चुका है। फिलहाल दोस्तों वो किसी भी मूड में नहीं है कि प्राइवेसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे। मुझे आप बताइए आपको क्या लगता है, सरकार ने सही किया क्या WhatsApp को प्राइवेसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने देना चाहिए था, या दोस्तों उसको कंप्लीट
कंप्लीटली बैन करना चाहिए था, मुझे नीचे कमेंट करके बताना फ्रेंड्स। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है इसको जोर दबा देना, इसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिएगा घंटी का बटन, उसको जोर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसको नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जोर दबा देना। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। अपने बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।